अगर आप ड्राइव करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है देखना। जब भी ड्राइव करें रफ्तार का ख्याल रखें, रफ्तार ऐसी ना हो कि गाड़ी से आपका काबू छूट जाए। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। विंडस्क्रीन चकनाचूर, बम्पर का तो ठिकाना नहीं, आगे पीछे हर तरफ से परखच्चे उड़े हुए। कार के दरवाजे को देखिए, कुछ भी सलामत नहीं बचा है। पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुकी है ये कार। पुलिस वाले पूरी कार का मुआयना कर रहे हैं। बिखरे हुए पुर्जों को एक जगह समेटा जा रहा है। आसपास के लोग, यहां तक कि बच्चे भी पूरे मंजर को हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। ये मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हुए हादसे की खौफनाक तस्वीर है, जब ये होंडा सिटी कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। यकीनन कार की रफ्तार तेज रही होगी, जिसे कार का ड्राइवर मुकुंद भंडारे संभाल नहीं पाया। कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने कार चला रहे मुकुंद भंडारे को कार से निकालकर राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गाड़ी का ड्राइवर हो, उसके गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था पुलिस कैंप से। उसने उसके गर्लफ्रेंड को पुलिस कैंप से छोड़ा था। वो घनसोली में उसके घर पे जा रहा था। मुकेश शेखर भंडारी व्यक्ति का नाम है। उसकी अंदाजी उम्र 30 तक रहेगी और फिलहाल तो उसको इधर के नागरिक लोग ने बाहर निकाला है। कार अंधेरी से पवई की दिशा में जा रही थी। गनीमत यह है कि जिस वक्त कार फ्लाईओवर के नीचे गिरी, उस वक्त नीचे लोग नहीं थे। क्योंकि हादसे वाली जगह रिहायशी बस्ती है, ऐसे में अगर भीड़ पर कार गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं कार चालक नशे में तो नहीं था। एजाज खान, मुंबई आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।